और आज की रात ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि दाना नाम का चक्रवाती तूफान किसी भी वक्त तट से टकरा सकता है। आशंका जताई जा रही है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लैंडफॉल होगा। एनडीआरएफ और कोस्टल गार्ड की टीमें राहत बचाव कार्य के लिए मुस्तैद हैं। समंदर में लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश का दौर चल पड़ा है और आज की रात पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए बहुत भारी है, क्योंकि तूफान दाना किसी भी वक्त दस्तक दे सकता है, जो बहुत तेजी से इन दोनों राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान दाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान आज रात किसी भी वक्त ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर टापू के बीच टकरा सकता है, जिसकी वजह से इन दोनों राज्यों में भारी दहशत बनी हुई है। तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहा दाना तबाही मचाने के लिए तैयार दिख रहा है। अंदेशा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान का लैंडफॉल होगा। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है। तूफान के असर से कोलकाता, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, पुरुलिया और बांकुरा जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, तो वहीं ओडिशा पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आईएमडी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा, कटक, नयागढ़, कंधमाल और गजपति जिलों में अलग अलग जगहों पर तूफान और बिजली गिरने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एनडीआरएफ, कोस्टल गार्ड और राहत बचाव की दूसरी टीमें मुस्तैद हैं। ₹280 से भी ज्यादा राहत बचाव टीम काम कर रही हैं। जगह जगह कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पुरी के मंदिर में श्रद्धालुओं को जाने से मना किया गया है, तो वहीं कोणार्क मंदिर भी बंद रखा गया है। रेलवे ने ओडिशा से गुजरने वाली 198 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। ओडिशा में पुरी के तटों से मछुआरों को हटाया गया है। ओडिशा की सरकार ने कई शहरों में समंदर के किनारे न जाने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने मछुआरों को अगले 2 से 3 दिनों तक समंदर से दूर रहने की सलाह दी है। बाकायदा अनाउंसमेंट किया जा रहा है। 6,000 राहत शिविर बनाए गए हैं। ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो सब मछुआरे ही है, और मछुआरे के जो बोट है उनका, उस बोट को सुरक्षित करने का जो आखिरी मोमेंट है वो ही है, क्योंकि इस बीच हमने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितनी जल्दी हो सके उनको यहाँ से हटा के एक सुरक्षित जगह पे ले जाने का कोशिश भी जब चल रही है, तब ये मछुआरे लोग जो है, जिनका काम पूरी तरह से चलता है इस बोट्स के ऊपर, इस ट्रॉलर्स के ऊपर, उन लोगों ने अभी भी यहाँ से जाने से एकदम आखिर मोमेंट तक यहाँ पे अपने बोट, अपने ट्रॉलर को यहाँ पे सुरक्षित करने का जो काम है वो काम अभी भी वो लोग यहाँ पे कर रहे हैं। रेलवे ने बयान जारी कर कहा है कि पश्चिम बंगाल में सियालदा स्टेशन से रात 8 बजे के बाद किसी भी लोकल ट्रेन की आवाजाही पर रोक रहेगी। वहीं पश्चिम बंगाल में 23 से 26 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान दाना ओडिशा में कहर बरपा सकता है, इसीलिए यहां पहले से ही सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। एनडीआरएफ और ओडिशा की रैपिड एक्शन फोर्स ODRF को तैनात किया गया है। इसके अलावा वहां कई राहत शिविर भी तैयार किए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को वहां शिफ्ट किया जा सके। अभी तक 3 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया गया है। हम दिखाना चाहेंगे कि पूरी की ये सी बीच जो है वो भयंकर हो उठा है। जैसे आईएमडी से बोला गया था कि जो वेव्स है वो काफ़ी डेंजरस होगा और काफ़ी रफ होगा। जो समुंदर है वो काफ़ी पास आ चुका है, जो काफ़ी दूर में था, और आज सुबह से समुंदर का भयंकर रूप देखा जा सकता है। और कोई लोग यहाँ पे अभी है नहीं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार बोला जा रहा था कि यहाँ पे पर्यटक का जगह है, पर पर्यटन को मद्देनज़र रखते सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए पर्यटक यहाँ पे जगह छोड़ दे। बहुत लोगों ने छोड़ दिया, पर बहुत कुछ लोग अभी भी है, पर किसी को बीच में आने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है। किसी भी मोमेंट कुछ भी हो सकता है। तूफान के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार भी नज़र बनाए हुए है।
लैंडफॉल के बाद ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हाथरस से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक महिला ने सुसाइड कर लिया। कहा जा रहा है कि उसके पति का रंग सांवला था और इस वजह से उसने जान दे दी। पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। क्या किसी के रंग रूप को लेकर भी घर में कलह हो सकती है? क्या कोई इसके लिए अपनी जान भी दे सकता है? हाथरस से एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई। दावा है कि यहाँ एक महिला ने इसलिए जान दे दी क्योंकि उसके पति का रंग सांवला था और बाद में उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सीएल खेड़ा की घटना है। यहाँ रहने वाले तौफीक की पत्नी ने इसलिए जान दे दी क्योंकि उसे तौफीक के रंग रूप से दिक्कत थी। तौफीक सांवले रंग का था और यही बात उसे लंबे समय से परेशान कर रही थी। 4 महीने पहले तौफीक की शादी अलीगढ़ की रहने वाली 25 साल की सिमरन से हुई थी। सिमरन के भाई का कहना है कि तौफीक उसे पसंद नहीं था क्योंकि उस सांवले रंग का था और इसको लेकर उसकी अपने पति से अनबन होती थी। इसी वजह से उसकी बहन ने जान दे दी। फांसी लगा ली। फांसी क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक दो दफे आना जाना हुआ था, फिर लड़के में थोड़ी ऐसी बताने लगी, थोड़ा लड़का सांवला पसंद नहीं है, यही बात थी। और कुछ तौफीक अपनी पत्नी सिमरन के साथ अकेला घर पर रहता था। वो पेंटर का काम करता था। घटना वाले दिन भी वो काम से बाहर गया था, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी पत्नी ने घर के कमरे में फांसी का फंदा बना लिया और सुसाइड कर लिया। मोहल्ले के लोगों को जैसे ही घटना का पता चला तो हड़कंप मच गया। तौफीक के घर पर भीड़ इकट्ठा हो गई। बाद में तौफीक को फोन कर बताया गया, पुलिस को भी सूचना दी गई। बाद में पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सिमरन के घर वाले भी उसके घर पहुंच गए। बाद में पुलिस ने लोगों की मदद से शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कवायद शुरू हुई। कुछ देर बाद घर वाले पोस्टमार्टम नहीं कराने को लेकर अड़े रहे, लेकिन पुलिस ने नियमों का हवाला देकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाथरस से न्यूज 18 के लिए सुमित शर्मा की रिपोर्ट। दिवाली से पहले बाजार सज गए। मेरठ में भी अलग ही रौनक दिख रही है। यहां पर दिया कारोबार से जुड़े हुए लोग भी काफी खुश हैं क्योंकि इस बार मेरठ के दियों की बहुत डिमांड है। मेरठ के दिया अयोध्या भी जा रहे हैं जहां ये अपनी चमक बिखेरेंगे। दिवाली बेहद ही नजदीक है जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। दिवाली के सामानों से बाजार सज चुके हैं। दिवाली पर रोशनी बिखेरने के लिए कारीगरों ने आकर्षक दिए बनाए हैं, जिन्हें अलग अलग डिजाइन दिया गया है। इस बार मेरठ में दिए बनाने वाले कारीगरों के चेहरों पर भी मुस्कान तैर रही है क्योंकि काम मिल रहा है। यहां कारीगरों ने अपनी बेजोड़ कला दिखाई है जिसे दियों के आकर्षक लुक में उकेरा है। दीपावली का त्योहार आ गया। 31 अक्टूबर को दीपों का पर्व है, दीपोत्सव है। समूचे देश में दियों की धूम मची हुई है। तरह तरह के दिए आपका ध्यान बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। न्यूज 18 की टीम इस वक्त एक ऐसी ही शॉप पर मौजूद है जहां एक से बढ़कर एक दिए आपका ध्यान बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां बरबस ही आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी और ये छटा बस देखती ही बनती है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कारीगर इस वक्त दुकानों को सजाने में जुटे हुए हैं। कमल के फूल वाला दिया, लैंप वाला दिया, एक से बढ़कर एक हाईटेक दिए आ गए हैं। देखने में देखिए एक कॉपर जैसा लग रहा है, लेकिन ये कॉपर का नहीं है और ये कॉपर का लुक दिया गया है। ये दिए की डिज़ाइन तैयार की गई है, वो कमल के फूल की आकृति की तैयार की गई है। ऐसे ही इस दिए को देखिए कितनी खूबसूरती के साथ कुम्हारों ने इन दियों को तैयार किया है। फूलों वाला दिया, इस दिए की खासियत क्या है और कितना वक्त लगा इसको तैयार करने में? लोग इस दियों को रंगोली में रखने के लिए पसंद कर रहे हैं और इसे लगभग हमें 4-5 दिन का समय लगता है इसे तैयार करने में। एक दियों को तैयार करने में 4-5 दिन का समय, जो जैसे एक साथ दिए 10-20 दिए तैयार होते हैं, इसे 4-5 दिन लगते हैं हमें। कमल के फूल की आकृति दी गई? हाँ, कमल के फूल की आकृति दी गई इसे
और अलग अलग लुक भी दिए गए हैं, जैसे ये चिमनी वाला दिया हमारे पास, चिमनी वाला दिया देखिए, ये कमल के फूल वाला दिया देखिए, और ये कछुए वाला दिया भी आजकल ट्रेंड कर रहा है। ये कछुए की आकृति वाला दिया है, ये कमल के फूल की आकृति वाला दिया है, और ये लैंप वाला दिया है, चिमनी वाला दिया है। ये कौन सा पशु इसने बनाया आप लोगों ने? घोड़े वाला दिया है। इस बार अयोध्या की दिवाली बेहद ही खास होने वाली है। वहां पर भव्य दीपोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मेरठ के कारीगरों को अयोध्या से भी दीयों का ऑर्डर मिला है। इस तरह मेरठ के दिए रामनगरी में जगमगाएंगे। दीपावली का त्योहार 31 अक्टूबर को है, तो 31 अक्टूबर को लेकर कितना ऑर्डर आया है अयोध्या से? अयोध्या से 2 लाख दीयों का ऑर्डर आया है इस बार। अच्छा। हाँ जी, और यहाँ भी ना दीयों की मांग जो ना बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाँ। जैसे हमारे यहाँ 2-3 लाख का ऑर्डर होता था, इस बार 10 लाख दिए लगभग बिक चुके अब तक। 10 लाख दिए आप बता रहे हैं कि बिक चुके हैं, और 2 लाख दीयों का ऑर्डर आप लोगों को अयोध्या जाया है? जी, अयोध्या से 2 लाख दीयों का ऑर्डर आ चुका है, और 10 लाख अब तक बिक भी चुके हैं। अच्छा। और अभी तो बिके हैं, दीपावली नजदीक भी है। ये अलग तरीके के दिए हैं, और यही दिए अयोध्या जाएंगे, रोशन होंगे, लाखों दियों में एक दिया यहाँ का भी होगा। 2 लाख से ज्यादा दिए मेरठ से जाएंगे, ऑर्डर इनको मिला हुआ है आप बता रहे हैं। और ये सभी दिए तैयार किए गए हैं, पैकेट में रखे गए हैं, और इन सभी दियों को अयोध्या भेजा जाएगा, वहाँ जगमग होंगे। जी जी। दिवाली पर दिए ही नहीं, दूसरे सामान भी अपनी तरफ ध्यान खींच रहे हैं। सजावट के साथ साथ कारीगर मिट्टी के साथ ऐसी कलाकारी दिखा रहे हैं जिसे लेकर हर कोई दंग रह जाए। जो दिखते तो हैं तांबे की तरह, लेकिन ये मिट्टी से बनाए जाते हैं। ये हम कॉपर का एलिफेंट तैयार कर रहे हैं, जो कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आ रहा है, और मेरठ के अंदर आज के टाइम में लोगों को पता नहीं था कि मिट्टी की चीजें। ये क्या है, हाथी बनाया है? ये हाथी बनाया है, मिट्टी का है पूरा, प्रॉपर मिट्टी का टेराकोटा, और फिर इसे ब्लैक पेंट से हम तैयार करते हैं, जो कि 2 दिन में सूखता है। 2 दिन में सूखने के बाद हम इसे इस तरह से बना देंगे। अगले हफ्ते दिवाली है, और इसके लिए लोगों ने खरीदारी भी शुरू कर दी है। दीयों की काफी डिमांड देखने को मिल रही है। इस दिवाली में बाजारों में आपको कई तरह के डिजाइन वाले दिए देखने को मिलेंगे, जिसमें कमल और शंख के आकार वाला दिया खूब ट्रेंड कर रहा है। मेरठ से न्यूज 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रोमा माइकल की कर लेते हैं, जिनके एक वीडियो पर पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ नफरती कैंपेन शुरू कर दिया है। रोमा माइकल को धमकियां इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि उन्होंने मिस वर्ल्ड ग्रैंड प्रतियोगिता में बिकिनी पहनकर रैंप पर कैटवॉक किया था। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोमा माइकल इन दिनों अपने ही मुल्क में कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। वजह है एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बिकिनी पहनकर रैंप वॉक करना। आतंकियों के पनाहगार देश पाकिस्तान को विश्व मंच पर अपनी छवि बदलने का एक मौका मिला था। पाकिस्तान की एक खूबसूरत बेटी दुनिया भर में अपने मुल्क की एक नई तस्वीर बनाने में जुटी थी। इस्लामिक कट्टरवाद की छवि से बाहर निकलते पाकिस्तान की छवि, महिलाओं को खुलकर अपनी जिंदगी जीने देने की आजादी वाले पाकिस्तान की छवि, और शरीयत कानून को पीछे छोड़कर आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ने वाले पाकिस्तान की छवि। लेकिन ऐसा हो न सका, कट्टरपंथ के कीचड़ में रहने वाला पाकिस्तान खुद को वहां से बाहर निकालना ही नहीं चाहता। इसीलिए पाकिस्तान के कट्टरपंथी रोमा माइकल के दुश्मन बन बैठे हैं। रोमा माइकल को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं। दरअसल एक दिन पहले रोमा माइकल ने मिस वर्ल्ड ग्रैंड 2024 में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए बिकिनी कॉस्ट्यूम में रैंप वॉक किया। अपने इसी वीडियो को रोमा माइकल ने जैसे ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया, वैसे ही पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों के कलेजे में आग लग गई।
सोशल मीडिया पर रोमा के उस वीडियो को टैग करके उन्हें कोसा जाने लगा, गालियां दी जाने लगी। सोशल मीडिया पर रोमा माइकल को कुछ इस तरह से पेश किया जाने लगा जैसे उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान की बहुत बदनामी करा दी है और कंगाल पाकिस्तान की बची खुची इज्जत भी नीलाम कर दी है। कट्टरपंथियों का कहना है कि रोमा माइकल को हिजाब पहनकर रैंप वॉक करना चाहिए था, लेकिन बिकिनी में रैंप वॉक करके रोमा माइकल ने पाकिस्तान की तौहीन की है। कट्टरपंथियों का दबाव और खौफ ऐसा कि रोमा माइकल ने अपने इंस्टाग्राम से वो वीडियो डिलीट कर दिया जिस पर इतना बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर रोमा माइकल के लिए पाकिस्तानी कट्टरपंथियों का नफरती कैंपेन देखकर कुछ यूजर्स ने उसके लिए चिंता भी जताई। एक यूजर ने लिखा कि उम्मीद है कि वो इसके बाद भी जिंदा होंगी, जबकि कुछ यूजर्स ने रैंप पर उनके टैलेंट की तारीफ की। कई यूजर्स ऐसे भी थे जो पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के ऐसे कमेंट देखकर निराश थे। ऐसे ही एक यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान में अभी भी महिलाओं को इतनी आजादी नहीं है। रोमा माइकल से पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की नफरत की एक वजह उनका भारत प्रेम भी हो सकता है। और यूपी के मदरसों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। एटीएस करेगी मदरसों में फंडिंग की जांच, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच होगी, एटीएस ये जांच करेगा। शासन ने जांच को लेकर पत्र जारी किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की मैं आपको बता रहे हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच अब होगी और एटीएस मदरसों की जांच करेगा। शासन ने जांच को लेकर पत्र जारी कर दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी है। हर स्थिति में हम कानून के राज को मेंटेन करेंगे। और बहराइच में भी चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच एटीएस से कराई जाएगी और शासन ने मदरसों की जांच को लेकर पत्र जारी कर दिया है। जिले में 792 में से 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं और इन मदरसों की फंडिंग कहां से की जा रही थी इसकी जांच होगी। अल्पसंख्यक कल्याण उत्तर प्रदेश की तरफ से लेटर जारी हुआ है, इसमें एटीएस को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच करने को कहा गया है और बहराइच के 495 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में 40,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। शासन के निर्देश के क्रम में जो जांच हुई थी उसमें 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त अपने जनपद में पाए गए हैं। जो लेटर आया है सर उसके संबंध में, जो लेटर आया है उसमें जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं इनमें फंडिंग के सत्यापन के संदर्भ में है और यह है कि अब तक उन्होंने मान्यता क्यों नहीं ली थी। जहाँ तक जांच का सवाल है, अगर जांच दो तरीके की होती है, अगर वो सही है तो जांच से कोई दिक्कत नहीं है और गलत है तो जांच जरूरी है। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच अब एटीएस करेगी, जिसके लिए शासन की ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया है। यूपी के 4,000 मदरसों के संचालन, रजिस्ट्रेशन और फंडिंग के सोर्स की जांच की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। खास करके नेपाल से सटे जिलों में बड़े स्तर पर मदरसों का संचालन हो रहा है, जिसमें बहराइच में ही 792 में से 495 मदरसे ऐसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और मदरसे की फंडिंग पर हमेशा से सवाल उठते आ रहे हैं। ऐसे में इसे देखते हुए अब प्रदेश सरकार ने बिना मान्यता प्राप्त चल रहे मदरसों की फंडिंग की जांच अब एटीएस से कराने का निर्णय लिया है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ निधि दीक्षित, न्यूज 18।